नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी, वेलकम ऑन कॉप्स एकेडमी। मैं हूं संदीप और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में कृषि। तो आज का जो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे आपको मैथ्स की क्लासेस और करंट अफेयर की क्लासेस भी डेली प्रोवाइड की जा रही है, तो उनको आप नीचे दिए गए लिंक पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मध्य प्रदेश के जो जीके सीरीज के हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए लिंक में जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश में कृषि। तो कृषि का जो हमारा टॉपिक है इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों की बात करने वाले हैं, तो उनमें जब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, कौन सी फसल का किस क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है, ठीक है, और दूसरा थोड़ा देखेंगे कि वर्षा का कृषि पर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको पता हो तो मध्य प्रदेश में जो कृषि है पूरी तरह मानसून पर आधारित है। अगर यहाँ पे मानसून अच्छा नहीं रहता है तो कृषि भी आपकी अच्छी नहीं होती, आपको उत्पादन अच्छा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वर्षा की पर्याप्तता ही कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपलब्धता रखती है। क्योंकि वर्षा अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी तो आपका कृषि में ना तो उत्पादन होने वाला है, ना ग्रोथ होने वाली है, ना कुछ भी नहीं होने वाला है। तो पूरी तरह मानसून पर निर्भर है हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश की कृषि। कृषि में भी क्या है कि हमने इनको क्षेत्र वाइज बांटा है कि हमने कृषि के जो कुछ भौगोलिक आधार पर क्षेत्र बांटा है, ठीक है, तो जो हमने भौगोलिक आधार पर बांटा है उनको 11 क्षेत्रों में बांटा है। तो वो जो 11 क्षेत्र है उनको भी हम देखेंगे। इसके अलावा हमने क्या है, जो कृषि विभाग है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसके आधार पर हमने हमारे यहाँ की जो कृषि है उसको 5 प्रकार से बांटा है, वो भी इस टॉपिक में देखने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो टोटल कृषि है या फिर टोटल भूमि है उसे कितने क्षेत्र में आपकी कृषि की जाएगी, कितने में आपके वन है, कितने आपके पड़त में चली जाएगी और ऐसी कितनी जगह है जो आपकी बंजर रहने वाली है। तो वो सारी जो चीज़ें हम आज के इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो बिना बोरियत के बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ इस टॉपिक को पढ़िएगा, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम के पर्पज़ से ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे वो BSc हो, चाहे SI हो, कोई सी भी एग्जाम हो, एनी हाउ कंडीशन में इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो जब कृषि की बात करें, हमने थोड़ी देर पहले बात करा कि मानसून के ऊपर मध्य प्रदेश में कृषि निर्भर है, मतलब यहाँ पे पूरी तरह वर्षा का महत्व रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो यहाँ पे मिट्टी का भी बहुत ज़्यादा महत्व रहेगा, क्योंकि अगर मिट्टी आपकी अच्छी फर्टाइल है, अच्छी उपजाऊ भूमि है, तो आपको उत्पादन अच्छा मिलने वाला है। और अगर आपकी ककड़ी पथरी और जैसे कि आपकी पथरीली जगह है तो यहाँ पर आपको उत्पादन नहीं मिलेगा। तो इस आधार पर अगर देखें तो मध्य प्रदेश पूरा समतल एरिया में नहीं आता है। समतल एरिया में आपको पता होगा कि कृषि का उत्पादन अच्छा होगा, क्योंकि पानी का एक तरह से ठहराव हो जाता है, आपका पानी वेस्टेज नहीं जाता है। तो मध्य प्रदेश में पूरा एरिया आपका समतल नहीं मिलने वाला है, इसलिए आपको यहाँ पे कृषि में भी असमता मिलने वाली है, अर्थात सभी जगह कृषि आपकी सेम नहीं होने वाली है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश में वन ज़्यादा मिलने वाले हैं, तो वन वाले इलाके में आपके कृषि नहीं होगी, ठीक है, कृषि होगी लेकिन कम मात्रा में होगी, तो वो सारा एरिया उसमें चला जाएगा। मतलब कृषि की उपलब्धता बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करने वाली है। तो वो चीज़ें हो जाती हैं आपकी कौन कौन सी, एक हो जाएगी आपकी वर्षा, एक हो जाएगी आपकी भूमि, है ना, और इन सब चीज़ों के आधार पर एक अगर देखें थोड़ा जलवायु, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनके आधार पे हम आज का ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें कि मध्य प्रदेश में आपके 72% लोग, मध्य प्रदेश के 72% लोग आपके गांवों में निवास करते हैं, ठीक है। अब जब इतनी सारी जनसंख्या गांवों में निवास कर रही है तो ऑब्वियसली बात है कि इनका मुख्य आधार कृषि ही रहने वाला है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। जब इतनी जनसंख्या गांवों में रह रही है तो इनका कृषि में योगदान भी रहने वाला है। तो ये जो लोग हैं ये मुख्य रूप से आपका कृषि फसलों का उत्पादन अर्थात खाद्य फसलों का उत्पादन ज्यादा करने वाले हैं। अब थोड़ा जब आगे बढ़े हम देखें कि मध्य प्रदेश में आपका जो टोटल जो एरिया है उसका 49% भाग पर आपकी कृषि की जाने वाली है। मतलब 72% जनसंख्या आपके गांवों में निवास कर रही है और आपका 49% जो एरिया है मध्य प्रदेश का उस पर आपकी कृषि की जा रही है। अब हमने क्या हुआ, थोड़ा सा ये एरिया का देखा,
अब इसके अलावा हम जो देखने वाले हैं वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो फसलें हैं जैसे आपका गेहूं, सोयाबीन, अरहर, मूंग, कपास, ये जो फसलें इनका उत्पादन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है, किन जिलों में किया जा रहा है, पठार वाइज भी इनको हम देख लेंगे, ठीक है। साथ ही इनमें ये जो फसलों का नाम दिया मैंने, इन फसलों में आपका वर्षा का किस तरह से महत्व रहने वाला है, वो सारी चीजें हम आज के इसमें देखेंगे। साथ में कौन सी योजना आई जिसने हमारे कृषि उत्पादन में ज्यादा महत्व दिया, और इसके साथ साथ पंचवर्षीय योजना को भी थोड़ा देखेंगे, क्योंकि पंचवर्षीय योजना का डायरेक्ट इनडायरेक्टली रूप से आपका कृषि पर ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो टॉपिक पे थोड़ा अब आते हैं, तो टॉपिक को शुरुआत करने से पहले देखें कि हमने देखा कि राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, कृषि है। मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसका इकोनॉमिकल ग्रोथ का आपका मुख्य आधार क्या हो गया, कृषि। अब कृषि है तो मतलब फिर थोड़ा और देखें कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कृषि का उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं, तो चीजों को कोरिलेट करके पढ़ना है, आपको रटना नहीं है यहाँ पे। तो देखा अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, तो ग्रामीण लोग आपके कृषि ज्यादा करने वाले हैं। यहाँ पे उसका रीजन ये है कि यहाँ पे आपके 72% लोग आपके गांव में निवास करते हैं, इसलिए ये लोग आपके कृषि भी अधिक करने वाले हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के कुल एरिया का हमने देखा था कि 49% भाग पर आपकी कृषि की जा रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो मध्य प्रदेश का कुल एरिया है, जो कुल एरिया है उसका अगर बात करें तो 240.47 लाख हेक्टर, ये 240.47 लाख हेक्टर आपका कृषि योग्य रकबा है, मतलब आपका जो मध्य प्रदेश का कुल एरिया है उसके सिर्फ इतने एरिए पर 240.47 लाख हेक्टर पर ही आपकी कृषि की जाने वाली, क्योंकि इसी जगह पे आपको उत्पादन अच्छा मिलने वाला है। अब हमने देखा एक अगला जो हमारा आता है कि कृषि सघनता, कृषि सघनता मध्य प्रदेश में 150%, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जलवायु, मध्य प्रदेश में हमने जो कृषि का उत्पादन वाले जो एरिया है उनको हमने भौगोलिक आधार पे और कृषि विभाग के आधार पे भी बांटा था। तो जब हमने इसको भौगोलिक आधार पे बांटा था तो हमने 11 जलवायु प्रदेश में बांटा था, और कृषि विभाग के आधार पे जब बांटा था इनको हमने 5 प्रकार से बांटा था। तो ये 11 हो गए, ये 5 हो गए, तो इनको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं एक एक करके, कि कौन सा विंध्य क्षेत्र में आएगा, कौन सा आपका मालवा में आने वाला है, कौन सा उत्तरी में आने वाला है, कौन सा पूर्वी में आने वाला है, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। कृषि क्षेत्र में आपका कौन सा गेहूं क्षेत्र में आने वाला है, कौन सा कपास के में आने वाला है, कौन सा गन्ने में आने वाला है। इसके साथ साथ आज के जो हमारा टॉपिक है इसमें हम कौन सी आपकी नकदी फसलें हैं, कौन सी आपकी मुख्य वाणिज्यिक फसलें हैं, तो वो सारी चीज़ें आज के इसमें कवर होने वाली है। अब हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में सभी जगह कृषि आपकी एक समान नहीं की जाती है, इसका मतलब ऐसे तो कुछ एरिया होंगे जहां पे कृषि आपकी अधिक हो रही है और कुछ एरिया ऐसे होंगे जहां पे आपकी कृषि कम होने वाली है। तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे जो आप वहां की जो टोटल ग्रामीण जनसंख्या है या फिर ग्रामीण क्षेत्र का जो अनुपात है उसका आपका निरा मतलब शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र आपका 50% से अधिक है, अर्थात इस क्षेत्र से आपका कृषि का उत्पादन सबसे ज्यादा मिलने वाला है। तो वो क्षेत्र हो जाता है आपका सबसे पहले आपका मध्य भारत का पठार के अंतर्गत आता है आपका चंबल घाटी क्षेत्र, इसके बाद आता है आपका मालवा, और उसके बाद आता है रीवा। तो चंबल घाटी क्षेत्र की जब बात करें तो इसके अंतर्गत आपके भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, ये वाले क्षेत्र आ जाएंगे, ठीक है। मालवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या जाएगा, आपका पूरे मालवा के जो हमने 16 जिले पढ़े थे वो जिले आ जाएंगे, रायसेन, भोपाल, पूर्व में जहाँ तक जाता है तो वो जिले आ जाएंगे। इसके बाद आपका रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार भी आपका ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको कृषि का उत्पादन अन्य क्षेत्र के अलावा अधिक मिलने वाला है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे आपको समतल भूमि मिलने वाली है और समतल क्षेत्र में कृषि का उत्पादन आपको अच्छा मिलने वाला है क्योंकि पानी का बहाव नहीं हो पाता। इसके अलावा जब अन्य क्षेत्र की बात करें तो आपका बघेलखंड, मेकाल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, तो इन क्षेत्रों में आपकी जो कृषि है वहाँ कंदरीली, पदरीली, पहाड़ी, कटी फिटी है, और ऐसी जगह में आपका कृषि उत्पादन ना के बराबर होने वाला है। तो वो सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। आगे जब हमने देखा कि जो
मध्य प्रदेश की जो कृषि का जो मुख्य आधार होने का कारण यहाँ है कि यहाँ 1/4 हिस्सा, कितना, 1/4 हिस्सा आपका आर्थिक रूप से कृषि की तरफ से कवर होता है। और दूसरा दूसरा यहाँ है कि यहाँ की जो ग्रामीण जनता है, दो पॉइंट हुए हमारे, थोड़ा सा देखते हैं, दो पॉइंट है हमारे कि आपका एक तो 1/4% जो लोग हैं, सॉरी 1/4% आपका जो हिस्सा है आपका इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के हिसाब से इकोनॉमिकल ग्रोथ से आपका कृषि से मिलने वाला है। और दूसरा है यहाँ की जो ग्रामीण जनसंख्या है वहाँ आपकी प्रत्यक्ष या परोक्ष कि मतलब किसी ना किसी रूप से आपकी कृषि पर निर्भर रहने वाली है। तो दो रीजन आपके मुख्य ये हो जाएंगे कि कृषि का ज्यादा निर्भरता का कारण। अब थोड़ा देखें कि हमारे यहाँ जो कृषि है या फिर मध्य प्रदेश में जो भूमि है उसको हमने कितने प्रतिशत किस क्षेत्र में रखा है या फिर कितने प्रतिशत क्षेत्र आपका किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है, बहुत सारी चीजें आप जब देखें तो आपका 50% मतलब मध्य प्रदेश की कुल भूमि का, मध्य प्रदेश की कुल भूमि का 50% क्षेत्र आपका शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद आपका 28% आपका वनों के अंतर्गत आने वाला है, ठीक है। अब जब आपका 50% शुद्ध क्षेत्र हो गया, शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र 28 आपका वन के अंतर्गत आ गया, और आगे जब देखें तो आपका 11% क्षेत्र आपका ऐसा है जो कृषि के लिए उपलब्ध ही नहीं है, अर्थात पूरी तरह से पथरीली जगह है जो किसी भी तरह से ना तो फर्टाइल है ना कुछ नहीं है ना ना वहाँ पे उत्पादकता कुछ होने वाली है। तो ऐसे क्षेत्र के अंतर्गत आपका मध्य प्रदेश का 11% हिस्सा आता है। और गैर कृषि भूमि के अंतर्गत आपका 4% आ जाएगा। और कृषि योग्य बंजर भूमि मतलब ऐसी भूमि जो बंजर है लेकिन थोड़ी बहुत कृषि योग्य है वहाँ आपकी 4% हो जाएगी। और पड़ा 3%, जो 3% ऐसी वो तो बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। तो मध्य प्रदेश में जो कृषि है, मध्य प्रदेश का जो टोटल 100% किसी भी क्षेत्र का अगर बात करें तो जो 100% का भूभाग होता है, 100% जो भूभाग होता है उसका 50% आपका शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र है, 28% आपका वनों के अंतर्गत आने वाला है, 11% ऐसा है जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, 4% ऐसा है जो गैर कृषि भूमि के अंतर्गत आता है, और फिर 4% ऐसा है जो बंजर भूमि है, ठीक है, और 3% ऐसा है जो पड़ा के अंतर्गत आता है। ये थोड़े आंकड़े ऐसे ही आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं और इनको हम रट भी नहीं सकते, तो थोड़ा सा अगर एक या दो बार देखेंगे तो हमको आसानी से याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश की जो कृषि है या फिर भूमि है उसको हमने बांट दिया कि इतने प्रतिशत पे आपका ये होने वाला। तो इसको क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का उपयोग के आधार पर वर्गीकरण हमने, मतलब भूमि का उपयोग के आधार पर वर्गीकरण हमने इस प्रकार से किया। आगे जब देखें तो हमारे यहाँ पे गेहूं की फसल, गेहूं प्रधान देश भी है हमारा, सॉरी राज्य, इसके अलावा आपको पता हो तो कि सोयाबीन का उत्पादन भी यहाँ पे अधिक होता है। तो हमने देखा कि डे बाई डे हमारे यहाँ पे गेहूं का उत्पादन बढ़ रहा है, उसका रीजन क्या है, ऐसी कौन सी वजह है जिससे हमारे यहाँ पे गेहूं की उत्पादकता बढ़ रही है, तो उसके लिए कौन कौन सी योजना चली है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो हमने थोड़ा सा अगर मोटे तौर पे देखे तो 2013-14 की जब बात करें तो 2013-14 में मध्य प्रदेश गेहूं के मामले में तीसरे स्थान पर था, 14-15 में दूसरे पे हो गया, और आपका 15-16 में आके 2015 और 15-16 में आकर आपका यह कौन से स्थान पर आ जाता है, आपका आ जाता है यहाँ पे पहले स्थान पे, मतलब यहाँ पे 2016-17 में आपकी गेहूं की उत्पादकता इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ आपका प्रथम स्थान पर आ जाता है गेहूं के उत्पादन में। तो ये जो उत्पादन हो रहा है इसकी वजह क्या है, कुछ ना कुछ तो है ना रीजन, तो वो सारे जो रीजन है वो हम इस जो टॉपिक है हमारा इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का ये जो टॉपिक था इसके अंतर्गत हमने सिर्फ इंट्रो पढ़ा है कि नॉर्मल रूप से कृषि का कितना प्रतिशत एरिया आपका इसके अंतर्गत आने वाला है, कौन से क्षेत्र है, बाकी जो अगला जो टॉपिक रहेगा उसमें हम विस्तृत रूप से इसको कौन सी फसल है, कौन सी नकदी है, कौन सी वाणिज्यिक है,
वो सारे क्षेत्र कौन सी, वो सारी चीज़ें, उसके अलावा कौन सी योजना है, ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना है, वो सब अगले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज तो हमने सिर्फ ओवरव्यू के रूप में देख लिया कि हम मध्य प्रदेश कृषि प्रधान देश है आपका, ठीक है, 72% जनसंख्या आपकी इस पर निर्भर करती है, और 49% जो मध्य प्रदेश का कुल एरिया है उस पर आपकी कृषि की जा रही है। उसके बाद हमने भूमि का वर्गीकरण देखा कि भैया 50% आपका शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र है, उसके बाद 4% ये आपका कृषि योग्य बंजर हो गया। तो ये तो हमने सिर्फ एक तरह से मोटे मोटे तौर पर वर्गीकरण देखा कि इतने प्रक्षेत्र है, इतने जलवायु क्षेत्र है, लेकिन इनको विस्तृत रूप से हम अगले उसमें पढ़ने वाले हैं।